नमस्कार मंगलराम जी। नमस्कार सरण जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है यार, ऊट ऊट भी ले आए आप तो यार। हाँ, आपने कई बार बोला था कि भाई आप देवासी हैं तो आपको तो वोट भी रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, वोट भी रख दिया। अच्छा, वोट भी ले आए। आप देवासी तो रखते हैं वोट यार। हाँ, रखते हैं, ये तो हमारी खानदानी है, वोट रखना। हाँ, खानदानी शो के साथ आपका तो ऊटो का तो है। तो बच्चे के सामने यार, ये बच्ची भी है, ऊँट की हाइट तो बहुत हो गई। अरे तो ये इस ये बच्ची की हाइट करेगी, क्योंकि ऊँट को देखेगी इनके भाई ऊँट हाइट वाला है। अच्छा, तो ये बच्ची भी हाइट करेगी। अच्छा, इसको देख देख के ये भी हाइट कर लेगी। हाँ जी। अच्छा, वैसे भी घोड़ों की हाइट इतनी हो गई अब तो। हाँ, हो गई है ना, ये तो 100 पार कर देंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना अड़सठ अड़सठ सितर सितर घोड़े हैं। हाँ हाँ, मैं बोला भी थोड़ी घोड़िए कम करके दे दो। हाइट के पीछे जा रहे थे, हाइट ना हाइट में तो दूसरा जानवर कोई हाइट नहीं है। हाँ सही है, या तो वो एक जिराफ आता है। हाँ, उसकी भी हाइट यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिलता नहीं है सर। एक बार मैं और मंगल भाई गए थे, गाड़ी लेके खड़ा था। अच्छा, मंगल भाई बोल रहे पकड़ ले उसको यार। एक तो जिराफ की हाइट होती है, एक ऊँटी होती है। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये ऊँट ले आए आप तो। हाँ हाँ, ऊँट ले आए। यही है 70 से बाहर तो। हाँ, 70 से बाहर तो यही है ना। हाँ, फीते भी कम है इसके सामने तो। हाँ, फीते भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, फीते भी कम पड़ रहे हैं। हाँ, तो मंगलराम जी, ये बच्ची के बारे में बताओ पहले आप। ये सरण जी बच्ची है, हिंडाल्गो की। हिंडाल्गो की। हाँ, हिंडाल्गो की। बच्चे की गर्दन वर्दन बढ़िया है इसकी यार। हाँ, बाप इसका हिंडाल्गो हो गया ना। लाड़की होगी। अच्छा, लाड़की होगी। हाँ जी, लाड़की होगी। अच्छा, माँ इसके आपके पास ही है क्या? माँ अपने पास, मेरे पास ही है। तो ब्रीड आपके यहीं पे हुई है पैदा? हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ, आपके यहीं पे पैदा हुई मतलब ना। माँ इसकी लाड़कियों की लाइन की हो गई और बाप इसका हो गया हिडाल्गो। क्या नाम रखा है इसका? हाँ, रुक्मणी। अच्छा, माँ इसकी पारसमणी है। अच्छा अच्छा, ये कितने महीने की है मंगलराम जी? अभी 8.5 महीने की है। 8.5 महीने की है ना। अच्छी बनेगी बच्ची यार ये, बहुत बढ़िया बनेगी। वो बढ़िया बनेगी है ना, अभी से जोरदार चल रही है तो यार। हाँ, एक नंबर आती है साहब हिडाल्गो की। जोरदार जोरदार मंगलराम जी, बढ़िया बच्ची तैयार हुई है। अच्छी बनेगी आगे घोड़ी। क्योंकि इसकी माँ की भी हाइट 62 है। अच्छा, और हिडाल्गो की तो आपको मालूम ही है। हाँ हाँ हाँ, सही है। बहुत मार्किंग तो इसके एक पट्टा है, एक माथे, एक वो पट्टा है और पीछे का दो पाव, एक पाव में जबाव है, एक पाव पूरे। अच्छा, दो पैर है क्या? हाँ जी। और ब्लेज, ब्लेज अच्छा है? ब्लेज अच्छा है, ब्लेज बहुत सुंदर है इसका। हाँ जी। ये ऊँट कौन सी नस्ल का लिया है? ऊँट कौन सी नस्ल का है? जैसलमेरी। अच्छा अच्छा, और पहले तो सिर्फ ऊँटों पे काम होते थे, ये तभी क्या बोलते हैं कि ये साधन हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, मगर जो पहले तो ये 4x4 तो अभी आई है। 4x4 तो भाई, नहीं तो 4x4 तो ये है, 4x4 है, मेन साधन तो यही है। मैं भी यार एक वीडियो बनाने के लिए ऐसा ले लेता हूँ आपके जालोर जालोर में। अरे आप ले लो, बहुत शानदार है, और आपके ये क्या बोलते डीजल खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ हाँ, और जहाँ कहीं रहना रहेगा ये रेती में भी आप लेके जा सकते हो। सही है सही है। नहीं, इसके ऊपर एक छाता लगा लेंगे फिर। हाँ, एक छाता लगा दो, है ना। हाँ, और अगर कोई सामने वाला घोड़ी वाला वीडियो नहीं बना रहा है। हाँ हाँ, तो भी आप उसके सामने खड़े रहेंगे, आप वीडियो बना। सही है, ऊपर घोड़ी ऊपर सही दिख जाएगी। नहीं सही रहता है यार, ये गलियों में घूमने के लिए तो ठीक है, मतलब सही रहता है। रेत यहाँ की रेत में अच्छा चलता है। हाँ, ये रेतों का ही साधन है। पहले तो साहब यही होते थे, घोड़े और ऊंट यही साधन था, अब तो गाड़ियाँ आ गई। बस बेटा बस, शाबाश शाबाश। कुछ नाम वाम भी रख रखा है क्या इसका? इसका ऊंट का? ऊंट का तो अभी शरण जी नाम रखा है। कोई यार नाम इसका भी आ रहा। मैं वो गया था वहाँ जोशी के पास, जोशी के पास सही था नहीं, जालोर का जोशीला रख दो। हाँ, अभी
इसके कुछ जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तारी थी अपने पास इसकी। जालौर का जोशीला नाम रख दो इसको, बढ़िया जी। ठीक है चलो मंगल राम जी, ठीक।